अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एलिया जहरा। वेलकम टू नया दौर। आज के सेशन में हम बात करेंगे मिसोजिनी का, जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट कल्चर पाकिस्तान के अंदर है। हम बहुत बार उसके बारे में बात कर चुके हैं। कल एक जो है एक वाक्या पेश आया, बहुत अनफॉर्चुनेट। मैं एक शो के अंदर थी। हाउ डेयर यू कि आप उसके खिलाफ बात कर सके। आप अपना मुंह बंद रखिए इस हवाले से। नहीं, चार एक शादियों के मिनट रुकिए हवाले ना, से। अब भी जी बीच में, जी लेट जी मी फिनिश। जी 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 अभी बात हुई है चार शादियों के बारे में, किसने जब की मर्द है? प्लीड करते हैं इस बात को क्यों एलिया ने ना। की है ना बात? अरे भाई बात सुन जी लो, जी मैं जी तुम जी बिल पे जी बोल रहे जी तो खुद खलील बोल लो। जी खलील साहब। अभी ये पॉइंट रेज किया गया, ये हमेशा मार्जिन लिया जाता है ये बात कहने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने बिल्कुल भी चार शादियों की हिमायत में कोई बात नहीं किया है, लेकिन वो कुरान की आयत है, आप उसके खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं कर सकती। पहली बात, किसी ने भी नहीं उसके बारे में बात की। सिंस यू रेफरिंग टू व्हाट यार आई मैं सेड। ना, अगर ये आपने वही काम करवाना है एलिया, तो इसको 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 चुप कराइए बेटा। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। उसके बाद हाँ एलिया मैं आपको पूरा मैं, आप रिस्पांस का बोलिए, टाइम दो दूंगा। दफा बोली, मैं बीच में नहीं जी बोला। जी जी खलील साहब, मुंह बंद नहीं हो रहा आपका? नहीं, खलील साहब आपका थोड़ी सी, इज्जत थोड़ी से सी आपको भाई, बात करनी प्लीज पड़ेगी। प्लीज मेरी बात में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस इज रिस्पेक्ट नॉट से हाउ यू बात करें टॉक। तो ये रिस्पेक्ट के बोल रहा हूँ, दिस बराबर इज है नॉट हाउ यू टॉक, दिस इज नॉट हाउ यू खलील साहब। टॉक। ठीक है ठीक है, मैं एक मौका देता हूँ खलील साहब। खलील साहब आप ऐसे चिचोलो ये खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, जो एलिया की बातों पर गुस्से में आ गए, माइक छोड़कर चले गए और उन्होंने शदीद नागवारी का मुजाहरा किया। उनका ये कहना था कि वो इस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जिस तरह से वो करना चाह रहे हैं। जिसमें खलीलुर रहमान कमर जो है वो भी मेरे साथ थे, और हम जो है एक डिस्कशन हो रही थी डिवोर्स रेट के ऊपर और जो इस तरह के दीगर जो मसाइल हैं विमेन राइट्स को लेकर उसके ऊपर। तो उसमें जो है एक पॉइंट के ऊपर जो है वो खलील रहमान जो है वो बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो गए, जैसे वो बहुत दफा हो चुके हैं। पहले उन्होंने इस तरह का जो है वो बिहेवियर दिखा चुके हैं टीवी पे, और वो एक पॉइंट पे जब मैंने उनको करेक्ट किया, वो मुझे जो है वो मिसकोट कर रहे थे। ही वाज काइंड ऑफ पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ। मैंने जब उनको कहा कि इस तरह से मैंने नहीं कहा था, तो वो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो अपने क्लिप भी हमने शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ये ऐसे आप नहीं किस तरह कर सकते, और बहुत ही ज्यादा एक काइंड ऑफ हर्लिंग इंसल्ट्स तो उस पे, और होस्ट के साथ भी बदतमीजी से बात कर रहे थे। फिर वो उठ के चले गए वहां से। और ये आपको याद हुआ कि मारवी शरमत के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था, और बहुत ज्यादा जो है वो उसके, मैंने ऐसा कुछ उनको नहीं कहा था कि हमने कोई या बदतमीजी मेरी तरफ से हुई हो या होस्ट की तरफ से हुई हो। एक्चुअली वो ही वन जो शुरू से ही जब डिस्कशन शुरू हुई तो काफी गुस्से में थे, और इंटरप्ट, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे इंटरप्ट नहीं करना था, तो वो इंटरप्शन नहीं थी। जब कोई व्हेन समबडी पुट्स वर्ड्स इनटू योर माउथ और आप को वो करने की कोशिश करे कि आपने जो ना कहा हो वो आपको एक तरह उसके लिए ब्लेम करे, तो वो ऑब्वियसली उस पर आपको करेक्ट करना तो आपका हर पैनलिस्ट का हक बनता है। तो वो सिर्फ मैंने किया, और उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा जो है वो उनको गुस्सा आ गया, और वो बाहर जाकर उन्होंने ये जो स्क्रीन के ऊपर हुआ वो तो सबने देखा, लाइव टीवी पे हुआ, लेकिन बाहर जाकर उन्होंने और भी ज्यादा जो है वो बाकायदा गालियां देना शुरू हो गए। और उन्होंने जो प्रोड्यूसर है उनके साथ भी बहुत बुरी तरह से बात की। उन्होंने वापस आके मुझे, मैं तो स्टूडियो में थी, वापस आके उन्होंने फिर मुझे बताया कि वो और भी बहुत कुछ कह रहे थे। और अपेरेंटली उनको गुस्सा इस बात का था कि वो जब आए स्टूडियो में तो मैंने उनको सलाम नहीं किया था, तो इस बात से उनको, उन्होंने प्रोड्यूसर को ये कहा कि उसने तो मुझे सलाम भी नहीं किया था। तो और बाकी जो दूसरी एक और पैनलिस्ट खातून थी उनके बारे में भी इसी तरह की जबान इस्तेमाल की प्रोड्यूसर से बात करते हुए। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे द फैक्ट दैट ही इज सच अ बिग नेम, और वो हमारे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा नाम समझा जाता है उनका, और वो ड्रामास लिखते हैं, उनके ड्रामास बहुत पॉपुलर होते हैं, और वो एक तरह से जो है पूरी एक सेंसेशन बन जाते हैं। और लेकिन उनकी ये कॉन्डक्ट जो है ये उनका बहुत फ्रीक्वेंटली ये टीवी पे आता है। तो इस पे अब ये उसके बारे में ये डिबेट शुरू हो गई है कि ये चैनल्स को बुलाना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। तो इस पे हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है राबिया महमूद ने, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। उनके साथ हैं तूबा सैयद, जो कि लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत वोकल है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राबिया, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपने देखा कि वो जो क्लिप थी और वो सारा कुछ, तो हम इसके ऊपर बहुत डिबेट करते हैं कि इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए, विच इज लाइक मैं भी उससे एग्री करती हूँ। मैंने भी नहीं उस शो में जाना था, लेकिन ऐसा हुआ कि जो होस्ट थे उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने ये उनका ओपिनियन था कि जब आप किसी इस तरह के बंदे को जिसके व्यूज थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, उसको आपको जो है स्पेस अगर कहीं पे है आपको मिलती है, तो उसको आपको
एक तरह से कन्फ्रंट करना चाहिए, और कन्फ्रंट करने का अगर मौका मिलता है तो जरूर करना चाहिए। तो मैंने जस्ट बिकॉज जो होस्ट थे वो थोड़े उनके व्यूज जो है वो मुझे पता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो खलील रहमान से अग्री नहीं करते, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं मतलब यू नो मैं वहां पे जाऊं और मैं उस पे करूं। लेकिन वो हम बहुत कोशिश हमारी तरफ से थी कि एक जो है बहुत ही सिविलाइज तरीके से डिबेट हो सके, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो आपके ख्याल में ये जो टीवी चैनल के ऊपर जो, और वो उन्होंने मुझे बताया है प्राइवेटली कि मैनेजमेंट की तरफ से उनके ऊपर था कि रेटिंग्स आती है खलील रहमान की वजह से, तो इसलिए था, तो ये जो रेटिंग्स की वजह से जो ये इस तरह की कैट फाइट कराते हैं और फिर डिलिबरेटली कराते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? देखिए पहली बात तो ये कि वो जो आई एम नॉट फॉर सेंसरशिप ऑफ एनीवन, ठीक है, प्लेटफॉर्म आप दे दें अगर किसी के आपसे बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है डिबेट का होना, और हर बंदा कोई लेफ्ट पे या प्रोग्रेसिव सर्कल्स में नहीं है, कोई मतलब राइट विंग हो या आपकी बिल्कुल मुख्तलिफ दो दाएं और बाएं बाजू के भी लोग हैं तो बैठे, और डिबेट इज अ हेल्दी थिंग। मसला ये है खलीलुर रहमान के जैसे लोगों के साथ कि वो एक तो ऑफ कोर्स उनका नाम बड़ा है, ठीक है, वो प्ले राइट हैं और बहुत पुराने बहुत पहले से लिख रहे हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ही उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, हार्मफुल किस्म की वो बातें करते हैं, ठीक है। एक तो जो बहुत ही मिसोजिनिस्ट और सेक्सिस्ट व्यूज उनके ड्रामास के अंदर, फिर उनकी कंटिन्यूअस वो जो एक पोजिशनिंग है चीजों के ऊपर जो है वो औरतों को ब्लेम करना और अपने आप को विक्टिम ठहराना, और ये खतरनाक चीजें हैं, ठीक है। हमारी नॉट जस्ट पाकिस्तान में, हर सोसाइटी में दिस इज नॉट हेल्दी, कंसिडरिंग हम लोग पोस्ट मी टू एरा में रह रहे हैं। और उसकी ऊपर से ये बात कि उन्होंने जो कल, अगर कल के शो की बात करें तो उसमें उन्होंने एक तो बदतमीजी, एक होती है कि आपके व्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ठीक है, आप बिल्कुल जितना मर्जी डिसएग्री करें किसी खातून के साथ या किसी और बंदे के साथ जिसका आपके डिफरेंट व्यूज हैं, एक तो वो बदतमीजी से बात कर रहे थे। जो एक क्लिप ज्यादा शेयर हो रहा है उसमें वो बिल्कुल इस तरह से कि इसने दो मरतबा बात की है, राइट, एक तो तमीज का एक वो भी नहीं, और जो डिलिबरेटली उन्होंने एक बहुत डेंजरस हरकत की जो खतरनाक है मेरे ख्याल में, वो ये है कि उन्होंने जो आपने कहा था उसको मिसरिप्रेजेंट करने की कोशिश की, उसमें कुछ ऐसा एक आंसर निकालने की कोशिश की जो आपने ना कोई, आपने तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली एक कमेंट किया था चार शादियों के ऊपर, राइट, और चीटिंग के ऊपर, मगर वो जो है उसको जिस तरह से वो उसको जो रंग दे रहे थे वो खतरनाक हरकत थी। और ऐसा टीवी पे करना, अगर उनको और अगर वो नाम है तो कहती हूँ अच्छा है वो छोड़ के चले गए, क्योंकि अगर वही वो कंटिन्यू रखते तो दैट कुड हैव टर्न्ड इनटू समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, ठीक है। और होस्ट ने भी उनसे बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल किया था कि कदामत पसंद और जो मजहबी तबके के लोग हैं वो इस एक्स वाई जी इस चीज से अग्री नहीं करते, आई थिंक चाइल्ड मैरिज की उनसे बात की थी, मगर वो बात जो है वो चार शादियों के ऊपर ले गए और फिर उन्होंने उसके ऊपर एक फतवा देने की कोशिश की कि वो क्या है, एज इफ लाइक ही इज एन एक्सपर्ट हु कैन कमेंट ऑन लाइक चार शादियों वाली चीज के ऊपर, तो वो खतरनाक था, जो कि एक बहुत ही स्केरी एटीट्यूड है। और बिल्कुल यही वाली बात कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने से पहले कोई 100 मरतबा पूछना चाहिए, अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले गेस्ट रखना चाहते हैं जो स्पेक्ट्रम पे हो रखते हो सियासी और सोशल इश्यूज के ऊपर ओपिनियन, वो फेयर बात है, That's fine. मगर deliberately ऐसे बंदे को लेके आना जो आपको पता है कि जो उसकी एक हिस्ट्री है बदतमीजी की और तौहीन करने की और तजीक करने की खवातीन की और इश्यूज को बात का बतंगड़ बनाने की, तो दैट्स अनहेल्दी। और वो अगर रेटिंग्स के लिए होता है तो फिर ये कब तक रेटिंग्स के नाम पर आप तो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये तो सिर्फ खवातीन नहीं है, ये हमारे यहाँ ये कल्चर है कि मार्जिनलाइज ग्रुप्स के ऊपर भी ऐसी रेटिंग्स की वजह से टीवी शोज और बड़े बड़े टीवी चैनल ऐसे ऐसे लोगों को लेके आए हैं, चाहे वो राइट विंग के हों या जो मर्जी उनकी वो पोलिटिकल लीनिंग हो, उसके हमने उसके साइड इफेक्ट्स देखे हैं, राइट। अब मैं इसको बात को किसी और तरफ नहीं लेके जाना चाहती, मगर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि रेटिंग्स की वजह से कुछ ऐसा करना हमारी सोसाइटी में जो के स्पिल ओवर कर सकता है ऑफलाइन या ऑफ द स्क्रीन और उसके कोई रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं लोगों के लिए, इसको इससे पहले सोचना चाहिए लोगों को जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। मगर ये तो इतना कोई इतना इट वाज नॉट अ मेगा केबल चैनल, मगर ये तो बहुत बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो इस तरह की बेवकूफियां करते हैं, अपने मॉर्निंग शोज में लोगों को बुला के उनको कन्वर्ट करवाते हैं और फिर वो पता चलता है कि वो फेक कन्वर्जन है, इस तरह की चीजें भी, ये सब एक मेंटेलिटी का हिस्सा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट विमेन, इट्स दिस काइंड ऑफ दिस अनहेल्दी अगली मेंटेलिटी
कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए कुछ भी करेंगे और हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जर्नलिस्ट होने के नाते. यू नो ये अनएथिकल है, ऐसी हरकतें, ये सब कुछ करना, ये इट्स एन आई टू मी इट्स अनएथिकल जर्नलिज्म. So, yes. बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने सही कहा. आई थिंक हमें खुल के बात करनी चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे वायलेंस इंसाइट करने के बराबर है इस तरह की बात. और सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मार्जिनलाइज ग्रुप से दूसरे माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान की, ऐसा हो चुका है, उनके कहने पर वायलेंस हो जाता है. मतलब ऐसी इंस्टेंसेस हैं हमारे पास मौजूद, तो बहुत खतरनाक बात होती है. इसलिए आई थॉट कि इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं उनको करेक्ट करूं कि मैंने क्या कहा एग्जैक्टली. तो उसके ऊपर हो गया और अब उनके जो सपोर्टर्स हैं, मुझे जाहिर है सपोर्ट भी मिली आप जैसे जो दोस्त हैं उनकी तरफ से, लेकिन और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि आपकी कैसे जरूरत हुई कि आपने उनको इंटरप्ट कर लिया, और ऐसे कि पता नहीं क्या बहुत बड़ा वो बनाते हैं. तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है. एंड ये भी बात आप सही कह रही हैं कि जो टी आर पी की वजह से, रेटिंग की वजह से जो लेकर आते हैं, तो ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का एक डायलेमा है कि दो साइड आपने दिखानी है, चाहे दूसरी साइड जो है वो कितनी टॉक्सिक हो, कितनी जो है वो वायलेंट उसका बिहेवियर और एटीट्यूड और टोन हो, फिर भी आपने वो दूसरी साइड लेके आनी है ताकि आप उनकी आपस में जो है वो लड़ाई करा सकें. और हम देखते हैं कि औरत मार्च अब आने वाला है, औरत मार्च से कुछ दिन पहले ये शुरू हो जाता है, और बहुत अनफॉर्चुनेट. तूबा आपके पास मैं आती हूँ, आपने ये कॉन्वर्सेशन सुनी सारी, आपका क्या कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, आपको लगता है कि डिलिब्रेटली इस तरह की जो जो डिफरेंट न्यूज रखने वाले लोगों के बीच में लड़ाई जो है वो करवा के तो रेटिंग्स के लिए ऐसा करते हैं? आई थिंक ये तो बिल्कुल बात सबको ही पता है कि टीआरपी के लिए वो ये करते हैं, और ये बहुत कॉमन है. और जिस तरह आपका एक्सपीरियंस हुआ एलिया, अनफॉर्चुनेटली आई ऑल्सो वेंट थ्रू समथिंग सिमिलर पिछली औरत मार्च से पहले, बल्कि 2019 में जब मुझे एक टीवी शो पे बुलाया गया, तो उस वक्त एक एमपीए थे जमात इस्लामी के थे वो सिंध से, और उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह की कोशिश की. कोई बात हुई नहीं थी मज़हब पे, और वो उसको एकदम से इस तरह ले गए, हमारा तो जिक्र ही नहीं हुआ था, तो उन्होंने एकदम से ब्लास्फेमी तक बात पहुंचा दी. और फिर होस्ट ने उन्हें पूछा कि, और ये जियो के ऊपर था, कि क्यों आप इस तरह कर रहे हैं, और उनको वहां रोका गया. तो मुझे लगता है कि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होती है, इंस्टेड ऑफ ये देखे कुछ इश्यूज होते हैं जहाँ पे दोनों तरफ का नजरिया जरूरी होता है, जहाँ पे जालिम और मजलूम की बात हो और जहाँ जुल्म की बात हो, उधर मुझे दो नजरियों की समझ नहीं आती. कि जहाँ पे बड़ा क्लियरली हमारे सामने है कि इस मुल्क के अंदर औरतों के साथ रोज क्या होता है, और वो मेरे ख्याल से मीडिया से बेहतर किसी के पास वो रिपोर्ट्स या वो खबरें नहीं पहुँचती. तो मुझे इस तरह के इश्यूज के ऊपर मुझे दो नजरियों की भी समझ नहीं आती. या तो कोई एक स्पेसिफिक इस तरह की डिबेटेबल चीज हो, उस पर आप लाएं दो नहीं चार किस्म के आप व्यूज लाएं, लेकिन जो इस तरह की चीज है जो कि इस वक्त आपके मुल्क का एक बहुत बड़े मसलों में से एक है, आलमी सतह पे आपका मुल्क इस वक्त बदनाम है इसलिए क्योंकि वो औरतों के लिए और जेंडर माइनॉरिटीज के लिए और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए इस वक्त एक बहुत खतरनाक और अनसेफ मुल्क समझा जाता है, उस पर इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करना कि उस पर सीरियस डिबेट के बजाय, एक नैरेटिव के बजाय अगर हम सिर्फ स्पाइस में जाएंगे और कंट्रोवर्सी में जाएंगे, तो मुझे लगता है उसमें नुकसान सिर्फ मीडिया की अपनी रेपुटेशन का नहीं है, बल्कि उससे आप एक बहुत डिससर्विस कर रहे हैं टू द एंटायर कॉज. कि आपकी जैसे राबिया ने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है, मतलब हालात मुल्क के सबके सामने है लेकिन उसके बावजूद, और वो वक्त जिस वक्त आपको नजर आ रहा है कि मुल्क की औरतें चीख चिल्ला के बता रही हैं कि भाई हालात बहुत खराब हैं, ये मुल्क रहने वाला नहीं रहा हमारे लिए, और उस टाइम पे अगर मुझे लगता है कि वो टाइमिंग को भी देखना चाहिए कि 8 मार्च वो दिन है जिस दिन औरतें निकल के बात करती हैं कि असल में हम मुल्क में कहाँ खड़े हैं, उनको सुनने और उस पे मजीद एक नैरेटिव बनाने या डिबेट करने या पब्लिक की तरफ वो बात पहुंचाने के बजाय, अगर इस गैर जिम्मेदारी रवैये ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया अब बिल्कुल ही रिलायबल नहीं रहा कि हम किसी भी टॉपिक पे देख ही नहीं सकते अब मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ. तो डेफिनेटली आई थिंक इसमें ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, क्योंकि मीडिया के ऊपर और जर्नलिस्ट के ऊपर शायद
बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, वो बहुत कुछ करने के काबिल होते हैं और उनके पास बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो उसका अगर जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है डिबेट कराने का, बजाय इसके कि बस आप ना कुकड़ों की लड़ाई शुरू करा दें कि छोड़ दें किसी ऐसे बंदे को जिसने बस लड़ाई और हंगामा शुरू कर देना है। मतलब उसका फायदा क्या है, ना किसी के पल्ले कोई बात पड़ती है, ना कोई काम की बात होती है, ना कोई मसला हल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस पर गौर करना पड़ेगा मीडिया के हजरात को भी और प्रोड्यूसर्स को भी, कि ये इवेंचुअली यही होके कि कोई कुछ ही लोग देखेंगे और उसी तरह के लोग देखेंगे फिर टीवी चैनल्स, क्योंकि मुझे लगता है हम में से तो कई लोगों ने देखना ही छोड़ दिया है। तो डेफिनेटली उसको रिविजिट करने चाहिए अपने ये फैसले। ठीक है, अच्छा तूबा, आप जो हैं वो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स भी करती हैं, ऑर्गेनाइज भी करती हैं, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, तो आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब मिसोजिनी, ठीक है हम अभी उस एपिसोड के बारे में बात करें, लेकिन मिसोजिनी तो बहुत कॉमन प्लेस है पाकिस्तान के अंदर, हर लेवल के ऊपर आती है हमें नज़र, और जिस भी फील्ड में आपको वहाँ पर होती है, इवन जो लोग अपने आप को कुछ लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं लेकिन वो भी अपनी मिसोजिनी नहीं छुपा सकते और वो सामने आ जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मतलब प्रोग्रेसिव क्वार्टर्स के अंदर, क्योंकि हम जो है दूसरों में तो क्रिटिसिज्म करते हैं लेकिन हमारे अंदर भी बहुत सारे जो है वो रिफॉर्म्स की जरूरत है और कुछ इस तरह होता है, तो आपके ख्याल में ये जो अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और जैसे आपने पहले किया ऑर्गेनाइज करते वक्त, तो मतलब आप यंग हैं और जो दूसरे आपसे बड़े हैं वो बीच में कहते होंगे कि ये जैसे उसने भी मुझे इसी, तो आई थिंक वही उसका रवैया था कि ये मैं तो बहुत बड़ा हूँ इसे, तो मैं तो जो जैसे चाहूँ बात कर लूँ, तो आपको भी क्या ऐसा फेस करना पड़ता है? What do you think is the solution to this? बिल्कुल, I think Ailia फेस तब करना पड़ता, ज्यादा फेस करना पड़ता था when I was younger. मुझे लगता है वक्त के साथ साथ आपको लड़ाई भी करनी आ जाती है, एंड यू काइंड ऑफ लाइक फिगर आउट हाउ टू यू नो होल्ड योर प्लेस। तो मुझे लगता है कि अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं वो कर लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आज का वाक्य आपको सुनाऊंगी। मैं क्योंकि डेंटिस्ट हूँ तो मैं आज अस्पताल में अपना मेडिकल वो करवा रही थी, जो कि हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपना मेडिकल चेकअप कराएं और बताएं कि आप ठीक हैं। तो वो जो बंदा था उसने मेरा कद 2 इंच छोटा लिखा, और मैं उन्हें कह रही थी कि ये मेरा कद नहीं है, मेरा कद लंबा है, और स्केल पे नजर आ रहा था लेकिन बस वो नहीं मान रहे थे कि ये लिखना है। सो एंड दिस इज अ वेरी सटल काइंड ऑफ मिसोजिनी व्हिच आई एक्सपीरियंस जस्ट टुडे। और इस तरह तो मतलब अगर आप मैंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट की थी बलोच मिसिंग पर्सन्स के ऊपर, और उसके नीचे जिस तरह की जबान इस्तेमाल हुई मेरे लिए, जिस ग्रुप के बारे में मैंने ट्वीट की थी वो तो हुई, लेकिन जो मेरे साथ हुआ तो मुझे तो समझ नहीं आया कि ये इसकी वजह क्या है। और आई थिंक यही वो बात है कि जो जहाँ कहा जाता है कि इस तरह के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, दूसरी तरफ पे मेरा जहन इस बात पर भी जाता है कि इस तरह के लोग तो हैं और वो इतने हैं, तो ये फिर जिम्मेदारी उन लोगों से ज्यादा मीडिया पे आती है ना, और उन लोगों पे आती है जो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। तो आई थिंक ये जहां तक एवरीडे मिसोजिनी और सेक्सिज्म का सवाल है, तो मुझे लगता है वो तो आपके घर से लेके दफ्तर से लेके आपकी सियासत से लेके हर जगह मौजूद होती है। बात यह है कि उसके साथ लड़ना और अपनी जगह पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये आपने किया कल, और मुझे लगता है यही तरीका है इसके साथ डील करने का, क्योंकि पीछे हट जाने का कोई फायदा होता नहीं है। सो जस्ट लाइक जितना ग्रेसफुली आपने डील किया उसके साथ, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल, एंड दिस इज हाउ आई थिंक यही वो रास्ता है कि उनको हमें कन्फ्रंट करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल जाने दें कि ठीक है जी आप जो भी बोलते हैं बोलें, कोई मसला नहीं हम सुनेंगे, तो उससे भी बात नहीं बनती है। सो आई डेफिनेटली थिंक कि वो तो हमारे दफ्तरों और उधर हो ही रहा है, लेकिन उससे लड़ाई ही वाहिद हल और रास्ता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और हमें क्योंकि सिखाया शुरू से यही जाता है कि आप जो है वो यू नो वुमेन आर टोल्ड टू बी साइलेंस्ड, और कि आप जो है वो ना आपको लड़ने की क्या जरूरत है, आपको क्यों फाइट बैक करने की जरूरत है, वो तो अग्रेसिव हैं, आपसे ज्यादा ताकतवर हैं और आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो लेकिन हमें अब जो है उसको अब उन पेट्रियार्कल नॉर्म्स को एज वी मूव फॉरवर्ड उनको डिफाई करने का वक्त आ गया, और जिस छोटी सी कैपेसिटी में हम कर सकें, चाहे वो जरूरी है कि बड़ा ही कोई हो, जो भी हम किसी भी तरह से हर जगह, जैसे आपने एग्जांपल दी, रोज आई थिंक जो वर्किंग वुमेन है वो तो ऑन अ डेली बेसिस फेस करती हैं किसी ना किसी फॉर्म में सेक्सिज्म और मिसोजिनी, तो उससे वो फाइट बैक करें, उनको बताएं जो लोग कर रहे हैं कि ये किस तरह वो गलत है, उनसे जो है वो अपनी जो आवाज है वो उनको तक पहुंचाएं और साइलेंट ना हो इसके ऊपर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो राबिया, मैं आपकी तरफ आती हूँ. हमने जैसे बात की कि तूबा ने अभी जिक्र किया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है उन्होंने ट्वीट की और उसके ऊपर वो उसी तरह से अब्यूज शुरू हो गई. तो ये बहुत कॉमन है. अब किसी भी जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो वुमन पॉलिटिशियन का ट्विटर अकाउंट उठा के देखते हैं या किसी जर्नलिस्ट का, उनके लिए वो कोई बिल्कुल ए पोलिटिकल ट्वीट भी अगर कर रही हो तो नीचे सारी आपको जेंडर स्लर्स मिलेंगी और इस तरह की सजेस्टिव किस्म की मीम्स मिलेंगी मरियम नवाज के बारे में, दूसरे पॉलिटिशियन फीमेल पॉलिटिशियन के बारे में. किसी एक पार्टी के ऊपर ये नहीं है सवालिया निशान, लेकिन सब ऐसा करते हैं. पीटीआई के अंदर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ये रवैया पाया जाता है आजकल, और वो हुकूमत में है तो उनके ऊपर ज्यादा ओनस भी है कि वो इसका जो है वो करें, लेकिन ये बहुत कॉमन है. तो आपके अब हमने विमेन जर्नलिस्ट के अंदर रिसेंटली जो है वो एक पिटिशन भी आई थी जिसके अंदर एक बहुत बताया गया था किस तरह से ये ऐसे एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीका होता है कि एक बड़ा अकाउंट पहले शुरू करता है कोई एडवाइजर कोई मिनिस्टर और फिर सारे उनके जो लोग हैं शुरू हो जाते हैं. तो आपके ख्याल में ये हुकूमत को क्या इसमें करना चाहिए? इस वक्त तो हुकूमत के पार्ट से कोई विलिंगनेस नहीं नजर आती क्योंकि उनके मिनिस्टर तो बहुत शाबाश कर रहे होते हैं कि जब कोई शहबाज गिल ऐसी ट्वीट करें और वो करें. तो इसको एड्रेस करने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज वो कैसे कि मिसोजिनी, हमने टीवी पे तो मीडिया का रोल तो डिस्कस कर लिया, मीडिया तो चलो हम मीडिया को लेक्चर दे देंगे, हम खुद रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन हुकूमत के लेवल गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर क्या किस तरह से हम जो उनको एटलीस्ट रियलाइज करवा सकें कि ये गलत चीजें इसके बारे में उनको कुछ करना चाहिए. देखिए एलिया, मैंने और आपने एक और भी और तूबा ने भी, हमने वेरियस डिस्कशंस ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसी चीज के ऊपर कर चुके हैं. हमने पहले भी विमेन जर्नलिस्ट को जो टारगेटिंग होती है उसके बाय द रूलिंग पार्टी उस पर बात कर चुके हैं. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो एज वो एक बेसिकली ये लोग एक टूल की तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं जो जेंडर अटैक है ना और अब्यूज, उसको इट लुक्स लाइक कि वो पॉलिसी का हिस्सा है कि ऐसे आपने टारगेट करना है. ठीक है, फिर उसमें वो रूलिंग पार्टी भी है और उसमें वो लोग भी हैं जो सपोर्ट करते हैं पर्टिकुलर स्टेट एस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव को, और वो तो रूलिंग पार्टी के पावर में आने से पहले कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. तो 2012-13 से ये शुरू हुआ था और फिर 14-15 में काफी एस्केलेट करती गई थी. ये बात हम टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम इसको जेन में रखें इन चीजों को. और फिर ये एस्केलेट हुई और बाद में, और इन लोगों का तो मतलब मैं ये बात पहले हो चुकी है कि जो की अकाउंट्स हैं एमएनएस और एमपीएस के भी, बिल्कुल आप लोग बात कर रहे थे, मेरे साथ भी इस तरह हो चुका है कि इनके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ट्वीट्स देकर जो है वो बहुत ही नाजेबा किस्म की बातें की कि लानत है इस औरत के ऊपर और ये वो. तो जब एक बंदा एक किसी प्रोविंशियल असेंबली में बैठा हुआ इस तरह की बातें कर रहा है किसी एक ओपिनियन के ऊपर जो कि विच आर राइट टू गिव क्रिटिकल ओपिनियंस, तो वो तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि उधर क्या कि आप उस पार्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और फिर जो इनकी सोशल मीडिया लीड्स हैं और ये पिछले वो भी इस तरह के बिहेवियर में अलेजेडली इन्वॉल्व हैं क्योंकि एक देयर वाज एन एक्सपोजे ऑफ सॉर्ट्स क्योंकि इन्हीं के एक पीटीआई के यूके सोशल मीडिया ट्विटर लीड ने ये कहा था बिकॉज उनकी इन फाइटिंग हुई थी फिर उसने खुद ये व्लॉग कर दिया था ट्विटर के ऊपर. वो आ गया था कि हाँ ये जो व्हाट्सएप्स में तुमने मुझे कहा कि अंबर रहीम शमसी को कुछ कहना और ये वो, तो फिर इट शोज के वो कितनी एटलीस्ट लग पता कि कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये सारा जो ऑनलाइन अब्यूज है. और जेंडर्ड स्लर्स ये खवातीन को तो होते हैं, मर्दों के वो ऊपर भी जब स्लर्स आती हैं तो उनको भी बेइज्जती उनके करने का तरीका भी जिनसे वो डिसएग्री करते हैं वो भी जेंडर्ड होता है. ठीक है, और वो उसमें एक एलिमेंट है उस तरह का सेक्सुअलाइज नेचर ऑफ अब्यूज और बिल्कुल फिल्थी जबान इस्तेमाल करना अंग्रेजी में भी उर्दू में भी और पंजाबी में भी. और फिर आप देखें तो इस कदर बुरी जबान इस्तेमाल की जाती है और आप उन अकाउंट्स को देखें तो उनके ऊपर कोई लिखा होगा कि विद वी लव, या तो उनपे प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर होगी या लिखा होगा वी लव पाक आर्मी एंड वी लव इस्लाम. मैं कहती हूँ इस्लाम जो रियली नीड्स टू बी सेव्ड फ्रॉम सच पीपल. तो ये एक पैटर्न है एंड ये तो पुराना जैसा मैंने कहा ये 6-7 सालों से ये है और उसको अब ये बहुत ज्यादा ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है. और हमने देखा कि ये बार बार इस तरह की कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी आ चुकी हैं कि ये ऑर्गेनाइज लेवल पे हो रहा है. जब ये हो ही एक पॉलिसी के तौर पे टारगेटिंग हो रही है लोगों की, खवातीन जर्नलिस्ट की राइट्स डिफेंडर्स की पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, जिस तरह से जो लेफ्ट के ऊपर है या क्रिटिकल है या अपोजिशन के लोगों की या अपोजिशन की पार्लियामेंटेरियंस की और खवातीन की,
तो फिर उसको अब उसको एड्रेस करना, हाँ हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है देन टू कीप फाइटिंग बैक. और उसको जिस तरह से अब विमेन जर्नलिस्ट ने पिटिशन की थी, दे वेंट एंड दे हैड अ हियरिंग, सेनेट की जो फॉर्मर कमेटी थी, क्योंकि अभी तो वो कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती जो पुरानी वाली थी, तो उधर उन्होंने किया, फिर उसको कवरेज मिली, उसको बहुत इंटरनेशनल भी कवरेज मिली. ये एक स्टेप था, मगर उसको अब गवर्नमेंट अनलेस के वो एक्नॉलेज करे कि ये हमारा, वो कैसे एक्नॉलेज करेंगे जब उसके बाद और करना है, हाँ जब वो प्रोपेगेंडा का एग्जैक्टली हिस्सा है और वो अपने अब जो अपना मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है उनका जो अपना रूलिंग पार्टी का जो अकाउंट है उससे वो खुद देखो टारगेट्स ऑन पीपल्स बैक्स, और लोगों की पुश्तों पे टारगेट जो है वो रखते हैं ट्वीट्स करके, वो चाहे बेनजीर शाह के मुतालिक हो या दूसरे जर्नलिस्ट के मुतालिक हो या आपके, ये मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि इन लोगों को बहुत टारगेट किया जाता है, या आपके या नया दौर के या और भी कोई जर्नलिस्ट हो या दूसरी पार्टी के, तो एक तो बात यह है. मगर ये जो मिसोजिनी और सेक्सिस्ट अब्यूज का जो कल्चर है ना, ये सिर्फ रूलिंग पार्टी के अंदर, वो सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो ये बदतमीजी और ये जो अक्सर ओवरलैप करती है रिलीजियस उसके साथ के इंसल्ट्स के साथ ना, कि वो एंटी माइनॉरिटी, ये इंटरसेक्शन होता है इन कॉन्वर्सेशंस का उसके ऊपर, ठीक है, कि कुछ लोग समझते हैं कि चलो ठीक है औरत को कुछ नहीं कहना, मगर अगर कोई मजहबी उसके ऊपर बात हो जाए या किसी केस की या क्रिटिसिज्म है किसी, सपोज कोई ब्लास्फेमी लॉ से रिलेटेड या रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस के, तो उसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो भी जंपिंग कर जाते हैं. समटाइम्स आई सी कि वो अकाउंट्स PMLN को फॉलो करते होते हैं. अब देखने में तो वो यही है, अब हमें नहीं पता कि वो रियल है या क्या है, बॉट्स है या नहीं, सो देयर इज दैट. मगर इस सब में जो एक बहुत अहम तरीका जो हमारे पास एक राउट है अपनाने का, वो है, और हम लोग वी हैव स्पोकन अबाउट द रोल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि वो क्या है, उनको रिपोर्ट करने का और उनको रीच करने का ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि एक तो वैसे भी सोशल मीडिया रूल्स के थ्रू भी एक सर्टन किस्म की एक हमारे ऊपर वो लगाई जा रही है, जो क्या कहते हैं, लूज टाइटन किया जा रहा है हम स्पीच के गले में, जो खंदा है ना वो टाइट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है देन टू कीप रीचिंग आउट इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे टू दीज प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या ट्विटर हो, क्योंकि अब वो, क्योंकि अमरीका को उन्होंने प्रायोरिटाइज करके अमरीका के में जो स्पीच है जो वायलेंट है जो हार्मफुल है जो पोटेंशियली स्पिल कर सकती है ऑफलाइन में, उसके ऊपर उन्होंने अब जिस तरह ट्विटर ने जो है स्टेप्स लेने शुरू किए हैं, तो हमारा यही है कि हम उसके एवेन्यू को ज्यादा एक्सप्लोर करें, बिकॉज गवर्नमेंट तो क्या कर सकती है, उनका जो एक प्लेटफॉर्म है वो ट्विटर का जो है वो टॉक्सिक है बहुत खवातीन के लिए और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, फिर ग्लोबल साउथ के और मसाइल हैं, और फेसबुक का भी और यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट्री है और बाकी के ऊपर भी. सो आई थिंक हमारे पास जो एक बड़ी ऑप्शन है वो ये है कि हम उनको अकाउंटेबल ठहराएं जो बिजनेस करते हैं हमारे इंटरेक्शंस के थ्रू और उसको मॉनेटरीली फायदा उठा रहे हैं इस चीज के साथ ना. तो एंड वी कीप ऑन टॉकिंग और इतना स्ट्रांग उसके ऊपर इतना इसको इतना अटेंशन दें, क्योंकि अब माजरत के साथ ये मुझे लगता है कि बहुत देर तक एक्टिविस्ट जो हैं हमारे जो तरक्की पसंद भी हैं वो इसको इंटरनेट को इतना बड़ा वो उस तरह से नहीं समझते थे कि ये अब्यूज हो रही है, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट, ये रियल लाइफ है और ये डिजिटल वो है ना स्पेस. तो अब आहिस्ता आहिस्ता से वो अवेयरनेस आ गई है सबके अंदर कि हाँ नहीं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्पेस जहाँ पे एक बैटल लड़े हम अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं और हमारे लिए इसको प्लेटफॉर्म्स को क्लीन करना जरूरी है. और कुछ नहीं तो जैसे बाहर हैं लोगों ने और अब वो अल्टरनेटिव इस तरह के मैस्टोडॉन जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं जो कि जरा अब्यूज से जहाँ पे जीरो टॉलरेंस से अब्यूज की और जीनोफोबिया की, तो और कुछ नहीं तो वी कैन इमेजिन एंड होप फॉर स्पेसेस और प्लेटफॉर्म्स जो कि जरा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, जहाँ पर सो कॉल्ड फ्री स्पीच के नाम पर हर बंदे को अटैक नहीं किया जा रहा और नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा. नहीं, और वो प्लेटफॉर्म तो हुकूमत की तरफ से तो ना ही बने, हुकूमत अगर बनाएगी तो और तरह से बिल्कुल. हमने ये डिस्कशन जो की, हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो हमें रैप अप करना पड़ेगा. आप दोनों का शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और ये हम बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये सोशल मीडिया कंपनी जो है वो अपने रोल का अंदाजा लगाएं, क्योंकि हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद इस पॉइंट पे नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनको जितना भी समझाएं वो नहीं समझते हैं, पता नहीं क्यों दुश्मन अब समझते हैं कि जो भी कोई थोड़ी सी उन पे क्रिटिसिज्म करते हैं, और हम तो नहीं है दुश्मन बिल्कुल, आप जो अच्छी चीज करते हैं हम प्रेज करते हैं,
और हम तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई हमारा वो बायस नहीं है नया दौर के ऊपर, और हम जो कोई ऐसी कोई अच्छी बात हो उसे कवरेज देते हैं, लेकिन उनको नजर नहीं आता, फिर वो जो बात उनको नेगेटिव लगती है वो पकड़ लेते हैं, जो उनके फेवर में होती है वो उनको इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस टॉक्सिक जो कल्चर है उसको अब बदलना होगा, तो हम जो है इस उम्मीद करते हैं कि इसका कोई असर हो उनके ऊपर और वो एक्शन लें इसके बारे में, जो लोग ये करते हैं उनके सोशल मीडिया टीम के अंदर शामिल है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आज़ीन देखने का शुक्रिया।